हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विश्वेंद्र। देखिए, बम्पर वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों के लिए। यूपी में कितनी वैकेंसी है, टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो 220 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें लॉ वालों के लिए भी कुछ वैकेंसी निकाली गई, लेकिन कितनी निकाली गई है लॉ वालों के लिए ये मेंशन यहां पर नहीं किया गया है। ये कौन सी वैकेंसी है, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे इस पे, और ये भी बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज क्या रखी गई है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है श्रेयंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये पीसीएस की तरफ से है। पूरा नाम आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, 1 जनवरी 2024 का ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। इसका पूरा नाम होता है कंबाइंड स्टेट और अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में पीसीएस जानते हैं। जो फेमस है ये वैकेंसी, ये पीसीएस के नाम से ही ये वैकेंसी फेमस है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां लॉ वालों का क्या काम, तो लॉ वालों का काम है यहां पर। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि पीसीएस में लॉ वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली जाती है। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ के अलावा भी फॉर्म को फिल करते हैं, वो पीसीएस का हो गया, अन्य जगह की वैकेंसी आ गई वहां के भी फॉर्म को वो फिल करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आज की जो ये वीडियो है सिर्फ लॉ वालों के लिए है, लॉ वाले से अलग भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी ये वैकेंसी है। ये जरूरी नहीं कि आप लॉ वाले हो, लॉ के अलावा भी अन्य कोई बीए बीएससी कर रखा है तो भी आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसमें बात कर लेते हैं क्या चाहिए है। देखिए, ये फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 29 जनवरी रखी गई है। साथ ही साथ जो लास्ट डेट आपके फॉर्म सबमिट करने की है वो है 2 फरवरी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और यदि कोई गलती हो गई इसमें फॉर्म भरने में, किसी प्रकार की आपसे कोई गलती हो जा रही है, तो उस गलती को सही करने के लिए लास्ट डेट जो रखी गई है वो 9 फरवरी रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें ये ध्यान रखिएगा, पीसीएस का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने ओटीआर फाइल किया होगा। तो जो आपको यदि पीसीएस का फॉर्म भरना होगा तो आपको ओटीआर फाइल करना होगा। ओटीआर के विषय में आप बखूबी जानते होंगे। जरूरी नहीं है कि आप साइबर कैफे जाएं या अन्य जगह जाएं तभी ओटीआर फाइल करें, आप अपने मोबाइल से ही ओटीआर को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आखिर फीस क्या रखी गई है। देखिए, फीस में यह बताया गया है कि जो अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए कितनी फीस है, 125 रुपए यहां पर फीस रखी गई है। वहीं पर एससी एसटी वालों के लिए 65 रुपए फीस रखी गई है। पीडब्ल्यूडीएस वालों के लिए 25 रुपए फीस रखी गई है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 65 रुपए फीस रखी गई है। और जो फ्रीडम फाइटर्स वाले हैं, वुमेन हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, उनके लिए फ्री सेवा है। देखिए, अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें कि वैकेंसी टोटल कहां बताई गई है। तो ये आप देख रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 इज अबाउट 220। ठीक है, कितना नंबर है, 220 यहां पे वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है पीसीएस की तरफ से। अब हम बात करते हैं अपने पोस्ट की कि भाई हम लोगों की पोस्ट कहां पे आई हुई है। तो आप ये देखिए, सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है आप लोगों के लिए। नंबर वन बात कर लें, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं एपीओ शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए है। तीसरा, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, ये थर्ड आपके लोगों के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ ये फोर्थ आप देखिए, लॉ ऑफिसर चौथा, ये आप लोगों के लिए है। ठीक, ये चार तरह की पोस्ट हमने आपको बता दिया।
और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी को भरिए, इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट या टीसीएस के थ्रू निकाली जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे आप देखिए पोस्ट डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम कहते हैं डीएसपी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट आपके पीसीएस के थ्रू निकाली जाती है। तो एक तरीके से मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप लॉ नहीं है, लॉ ग्रेजुएट नहीं है, तो भी इस फॉर्म को फिल करिए। आप बात को समझिए, आप तैयारी क्या करते हैं, आप जीएस की पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो जीएस का जो रोल है, मैं मानता हूं कि जो पीसीएस में जो आपका जीएस आता है उतना हार्ड आपके लॉ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लॉ का पेपर उठा के देख लीजिए विगत वर्षों के, अब जो लॉ जो जीएस का पैटर्न है वो थोड़ा हार्ड हो चुका है, पहले की अपेक्षा थोड़ा हाई लेवल का आपसे जीएस पूछा जा रहा है, चाहे जुडिशरी वाले हो चाहे यूपीएपीओ वाले हो, आप उठा के पेपर देख लीजिए, तो आपको जीएस अब पढ़ना ही पढ़ना है, अब वन लाइनर का जमाना गया, ठीक है, तो अब आपको जीएस अच्छे से पढ़ना है। तो जब अच्छे से पढ़ना है तो हम सिर्फ लॉ वाले ही वैकेंसी क्यों देखें, हम पीसीएस की वैकेंसी क्यों नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। आप ये भ्रम रहते हैं कि भैया हम लॉ वाले हैं हम पीसीएस कैसे देंगे, ये भ्रम की स्थिति है आपकी। भाई मैं ये कहता हूं कि आप पीसीएस का फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, सिवाय आपको मिलने के क्या कुछ जाएगा आपका, कुछ भी घाटा है क्या सिवाय मिलने के, ये आप मुझे बता दीजिए। आप पढ़ ही तो रहे, पढ़ने के दौरान यदि आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है लॉ की, मैं तब की बात कर रहा हूं, कोई भी वैकेंसी इर्द गिर्द नहीं है और आपके पास पीसीएस की वैकेंसी है, तो आप क्यों ना पीसीएस के जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल करिए। आप जीएस पढ़िए, इसी बहाने आपका जीएस स्ट्रांग होगा। भाई आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना, साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़नी है, तो यही चीजें तो आपके पीसीएस में पूछी जाती हैं। तो आप इस पीसीएस का फॉर्म जरूर भरिएगा, हाँ भले ही आप बाद में छोड़ दीजिएगा, आपका कोई लॉ का एग्जाम होगा किसी भी स्टेट का, एपीओ जुडिशरी कोई भी आपका एग्जाम होगा, भले ही छोड़ दीजिए, मगर आज की डेट में जरूर आप पीसीएस का फॉर्म भरिएगा, नहीं तो हो सकता है कल को आपको पछताना, क्योंकि आज के दौर में वैकेंसी मिलना ही मुश्किल का काम है। आप देख ही रहे हैं कि वैकेंसी कितनी आ रही है, चाहे एपीओ की बात कर ले, जुडिशरी की बात कर ले, लोग वेट करते रह जा रहे हैं और अपनी एज जो है वो बालू के रेत के समान ही पूरी खत्म होती जा रही है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका फायदा उठाइए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो ये हमने आपसे इस पोस्ट के बारे में बात किया कि विभिन्न प्रकार के पोस्ट निकले हैं, आप देख रहे हैं एक लाइन से पोस्ट निकले हैं, जो नोटिफिकेशन है आपको कहां से मिलेगा, आप जब सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा, यदि आपको नहीं मिलता कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या चीजें बताई गई हैं, देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी में तीन स्टेज में एग्जाम होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक किसी तरह यहाँ भी पीसीएस में क्या होता है कि तीन एग्जाम होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। इस वैकेंसी में आपसे योग्यता के रूप में क्या मांगा जा रहा है, अब ये ध्यान दीजिए, जैसे हमने बात किया ना एक वैकेंसी आपने वहां लिखा असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट की, यहां पे क्या मांगा जा रहा है, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अब मैं दिखा रहा हूं आपको दूसरी वैकेंसी आपके पास है, ये देखिए सब रजिस्ट्रार की, यहां पे आप देख रहे हैं लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है, देख रहे हैं आप लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है, तो ये भी आप अच्छे से भर सकते हैं, सब रजिस्ट्रार बहुत ही बढ़िया आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे क्या है कि अब यहां पे हाइट चेस्ट ये सब मांगा जा रहा है, अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग आपका दायरा यहां पे बनाया गया है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एज की बात की जाए तो यहां देखिए एज लिमिट बताई गई है, कितना होगा, मिनिमम आपका 21 इयर्स है और मैक्सिमम जो है ये 40 इयर्स बताया गया है, मतलब 21 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यदि आप एससी एसटी के अंतर्गत दायरे में आते हैं
तो आपको ये फॉर्म जो है, ये जो प्रारूप है इसको भरना होगा। ये प्रमाण पत्र के रूप में है, ये प्रारूप बनाया गया है, इसको वही लोग भरेंगे जो एससी एसटी के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए ये चीजें बताई गई हैं। देखिए हमने आपसे बताया तीन स्टेज में आपका एग्जाम होगा, यहां पर देखिए मेंशन किया गया है। एक होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इसमें दो पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाला जो है इसमें पासिंग मार्क खाली मांगते हैं, 33% आपका पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में आपसे पूछा जाएगा वही हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस और करंट अफेयर, जनसंख्या से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप एपीओ और जुडिशरी में जो आपके करंट अफेयर होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, सेम वही पूरा पैटर्न आपका जीएस के जीएस फर्स्ट पेपर में है। और सेकंड पेपर जो होता है, ये प्रिलिमिनरी की बात कर रहा हूं, सेकंड पेपर जो होता है वहां मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश थोड़ी सी आ सकती है, तो ये सब चीजें आपके सेकंड पेपर में होते हैं। हिंदी आएगी सेकंड पेपर में, थोड़ा सा पूछा जाएगा। तो सेकंड पेपर क्या है, वो पासिंग मार्क्स होता है, 33% आपको लाना होता है सेकंड पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपसे मेंस लिया जाएगा, मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, ये रिटेन होगा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका वीवा वायस होता है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, इंटरव्यू होता है, ठीक है। देखिए प्री में हमने बताया आपसे दो पेपर होते हैं, एक तो 9:30 से 11:30 होगा पहला पेपर, और दूसरा होगा 2:30 से 4:30 तक होगा। और जो ये पेपर सेकंड है, देखिए लिखा गया है पेपर सेकंड ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, ठीक है, 33% आपको सेकंड पेपर में मिलाना है तभी आप पास आउट होंगे। अगर उसमें नहीं पास हुए और फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा कर गए तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा, आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पेपर में 33% आपको लाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि मेंस का जो है कंपल्सरी जो पेपर होता है वो कौन कौन सा है, वो जनरल हिंदी है, ये 150 मार्क्स का होगा, ऐसे है ये भी 150 मार्क्स, फिर जनरल स्टडीज होगा फर्स्ट पेपर ये 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज सेकंड पेपर होगा 200 मार्क्स, फिर जनरल स्टडीज थर्ड पेपर होगा 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर आपका 200, फिर जनरल स्टडीज फिफ्थ पेपर 200 मार्क्स, और जनरल स्टडीज सिक्स पेपर 200 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो प्री का पेपर होगा ये पूरा पेपर आपका बताया जा रहा है कि आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। प्री आप जब देंगे तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, पूछा क्या जाएगा, ये जनरल स्टडीज फर्स्ट होगा पेपर, इसमें ये पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये सभी चीजें आपसे बताई गई हैं, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेपर ये सभी चीजें हैं, फिर आपका जनरल स्टडीज ये आपका सेकंड पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, और ये भी देखिए ये सब चीजें आपकी बताई जा रही है, इसमें क्या क्या सेकंड पेपर में पूछा जाएगा ये सब चीजें बताई गई है। रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए देखिए यहां पे बताया गया है हिंदी है, ऐसे है पूछा जाएगा, और क्या क्या इसमें रहेंगे ये सभी चीजें बताइए, जनरल स्टडीज फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा ये सभी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी, सब आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज सेकंड है, फोर्थ है, थर्ड इसी में होगा, ठीक है, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। पीसीएस में सिर्फ काम की जो बातें थी मैंने आपको इसमें बता दी है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, साथ साथ यदि आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है वो नंबर 1 की पोस्ट है, आप ये समझ लीजिए। ग्रेड 2 का आपका पोस्ट होगा, अच्छी पोस्ट है, अच्छे रैंक की पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको सोच के आप फॉर्म को फिल जरूर करिएगा। हाँ थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन पोस्ट बढ़िया है, मैं आपको ये बच्ची बता दूं, तो इस फॉर्म को मिस मत करिएगा। आप स्टेट से पहले ही कोशिश करिए कि फॉर्म फिल कर दीजिए। तो यहां तक मेरी द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।